हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू कुकिंग हैक्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बकलावा की रेसिपी। ये एक मेडिटेरियन डिज़र्ट है, मगर आज हमें इसे एक इंडियन ट्विस्ट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लेंगे। अब इसमें मैं पानी डाल के इसका नरम सा आटा गूंद लूँगी। पानी हमने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है और इसका बड़ा नरम सा आटा गूंदना है। हमारा डो रेडी है। अब मैं इसे कवर करके इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। इतने हम एक मार्जरीन का मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 100 ग्राम वनस्पति घी लिया है, इसे मार्जरीन भी कहते हैं। इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी जब तक ये हल्का सा लाइट ना हो जाए। अब इसमें मैं 75 ग्राम कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। इस कॉर्नफ्लोर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम फेंट लेंगे। ये देखिए, हमारा मार्जरीन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसे हम साइड पे कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इस डो को बाहर निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर मैं सूखा मैदा डस्ट कर लूँगी और इसे 5 मिनट तक गूंद लूँगी। ये स्टेप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे डो में इलास्टिसिटी आती है। अब हमें इसे पतला सा बेल लेना है। जितना हम इस डो को पतला बेलेंगे उतना ही हमारी बकलावा क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा लेंगे। हमें इसे पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए कैसे मैंने पूरे पे स्प्रेड कर लिया है। अब मैंने एक रॉड ले लूँगी, चाहे आप बेलन भी ले सकते हैं, और इस डो को इसके ऊपर हम ऐसे घुमा लेंगे। हमें इस डो को टाइट करके ऐसे घुमाते रहना है। इस मार्जरीन के मिक्सचर को मैं पूरे डो पे लगा लूंगी और ऐसे ही रॉड को घुमाते जाऊंगी। ऐसे करने से हमारी लेयर्स बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इतने हम हमारी चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि हमारी चीनी डूब जाए। इसे हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। अब मैं इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ ताकि हमारी चीनी फिर से जम ना जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब हम वो डो वाली रॉड ले लेंगे और उसे बीच में से कट कर लेंगे। इसे हम खोल लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ऐसे मैदा डस्ट कर लूँगी और इसे हल्का सा बेल लूँगी। हमें इसे बिल्कुल लाइटली बेलना है। अब मैं इसे बीच में से फिर से कट कर दूँगी। अब मैं एक शीट को दूसरी शीट के ऊपर ऐसे रख लूँगी और इसे भी हल्का सा बेल लूँगी। ये जो हमारी साइड की एजेस है इसे हम ट्रिम कर लेंगे। अब इसे मैं बीच में से फिर से कट कर लूँगी और हम इसके अब स्क्वायर्स कट कर लेंगे। इसके हमने बिल्कुल छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। ये जो हमने स्क्वायर्स कट किए हैं अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब मैं एक स्क्वायर लूँगी और इसके दो किनारे ऐसे प्रेस कर लूँगी। जैसे मैं दिखा रही हूँ इसके चारों तरफ से ऐसे किनारे प्रेस कर लेना है और इन चारों किनारों को ऐसे मिडल में प्रेस कर लेना है। ये देखिए हमारी बकलावा की शेप बन गई। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। ये देखिए मैं चारों किनारों को ऐसे प्रेस कर लूँगी और इनको मैं ऐसे मिडल में प्रेस कर लूँगी। ऐसे ही मैंने सारे बना के रख लिए हैं। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ मैं एक पैन में तेल गरम कर लूँगी। इन बकलावा को अब हम बिल्कुल लो फ्लेम में तल लेंगे। परफेक्ट बकलावा बनाने के लिए ऐसे हम 5-6 बकलावा तेल में डाल देंगे। अब मैं इस कढ़ाई को ऐसे घुमाते जाऊंगी जब तक इसकी लेयर्स खुल ना जाएं। जैसे ही आप घुमाते जाएंगे इसकी लेयर्स हल्की हल्की खुलती जाएंगी। जैसे ही लेयर्स खुल जाएं आप छोड़ दें और इसको मीडियम ब्राउन होने तक तल लें। ये देखिए हमारा बकलावा तल के बिल्कुल रेडी है और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे ही मैं और बकलावा तल लूँगी और सारे रेडी कर लूँगी। जब भी आप ऐसे कढ़ाई को घुमाएं बहुत ही ध्यान से घुमाएं और अगर आप माइनर हैं तो किसी की गाइडेंस में करें। ये देखिए मैंने सारे बकलावा फ्राई करके रेडी कर लिए हैं।
अब मैंने इसको एक वायर स्टैंड पे रख लिया है और इसके नीचे एक प्लेट रख ली है। अब इनके ऊपर मैं ऐसे शुगर सिरप डाल दूंगी और इन्हें ऐसे कोट कर लूंगी। चाशनी डालने के बाद हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम डाल देंगे। आप इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं ड्राई रोज पेटल्स यूज कर रही हूँ, इसे भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो ये देख लीजिए, हमारा दिवाली स्पेशल पकलावा बिल्कुल रेडी टू ईट है और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।